डिब्बे में डाल दे। अगर हम सिर्फ 5 साल के लिए दिगंबर जैन श्वेतंबर जैन जैसे विशेषणों को कचरे में डाल दे, कचरे के डिब्बे में डाल दे, विशेषणों को कचरे के डिब्बे में डाल दे और सिर्फ जैन होने का विश्लेषण करे, तो हमारी आवाज जैन धर्म का डंका श्रीलंका तक नहीं बल्कि अमेरिका तक गूंजने लग जाए। इसीलिए जीवन जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए आपसे गुजारिश करूंगा, चूहे से ज्यादा ताकत बिल्ली में है, चूहे से ज्यादा ताकत बिल्ली में है, बिल्ली से ज्यादा ताकत कुत्ते में है, कुत्ते से ज्यादा ताकत शेर में है, शेर से ज्यादा ताकत हाथी में है और हाथी से भी ज्यादा ताकत यानी सबसे बड़ी ताकत अगर किसी में है तो वो एकता में है, एकता और संगठन में है। आपको मालूम होना चाहिए पांच उंगलियां जब एक हो जाती है तो वो मुट्ठी बन जाती है और मुट्ठी अच्छों अच्छों की छुट्टी कर दिया करती है। इसलिए भक्त की नजाकत को पहचानिए, भक्त की नजाकत को पहचानिए और भक्त की नजाकत सिर्फ ये है 500 का नोट। अभी आचार्य प्रवोद सिंह जी कह रहे थे सब आत्माएं समान है, वहां कोई भेद नहीं है, सब आत्माएं समान है। वो भगवान महावीर की वाणी दोहरा रहे थे, भगवान महावीर ने भी यही कहा, आत्मा चाहे सन्यासी की हो या संसारी की हो, आत्मा के स्तर पर कोई भेद नहीं है। आत्मा चाहे मुनि की हो या ग्रस्त की हो, आत्मा के स्तर पर दोनों की आत्मा में कोई भेद नहीं है। फर्क है तो सिर्फ इतना फर्क है कि ग्रस्त की आत्मा मुनि की आत्मा दोनों में अगर फर्क है तो इतना फर्क है कि मुनि की आत्मा 500 का नया नोट है और ग्रस्त की आत्मा 500 का पुराना नोट है। नोट नया हो या पुराना दोनों की मार्केट वैल्यू बोलो नोट नया हो या पुराना दोनों की मार्केट वैल्यू एक होती है। आत्मा के स्तर पर मुनि की हो या संसारी की दोनों की आत्मा में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए आपसे जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए प्रवचन सुनना, प्रवचन सुनाना हमारा मकसद नहीं। आज के दिन हम संत लोग एक मंच पर बैठ गए और याद रखना जब संत एक मंच पर बैठ जाते हैं तो सब अपने आप एक जजम पर बैठ जाता है और वहीं से जिन शासन की जय घोष होने लगती है। हमारा बैठना ये महत्वपूर्ण है, बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, एक मंच पर बैठना ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन, हमारे तीर्थंकर एक, हमारा मंत्र एक, हमारा ध्वज एक, हमारा सिंबल एक, हमारा नारा जियो और जीने दो, हम समझे हम दो हमारे रूप, नारा एक क्यों कहा। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हम बहुत बढ़ गए दिगंबर जैन श्वेतंबर जैन 13 पंथी जैन 20 पंथी जैन मूर्ति पूजक जैन विस्तारवासी जैन तपागच्छ जैन खतरगच्छ जैन दुईथुई जैन त्रिथुई जैन अपटवारी की नहीं
सिर्फ जरूरत है तो इस बात की जरूरत है कि हम जैन हैं और वो जैन है। हम जैन हैं और जैन है। जैन समाज को जो पहचान मिली है वो बहुत लंबी तपस्या की बात हुई है। जैन समाज शांति प्रिय समाज है, अहिंसक समाज है, शुद्ध शाकाहारी समाज है, ईमानदार चरित्र निष्ठ संस्कारवान समाज है। ये जो पहचान मिली पर सदियों की तपस्या करने के बाद मिली है, इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि उस पहचान को बरकरार रखने के लिए ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। इसलिए मैं अपने प्रवचनों में अक्सर कहता हूं, आप अपने बेटे को, आप अपने बेटे को कार दे ना दे, ये आपकी इच्छा, लेकिन हम संत इस बात को जरूर कहेंगे उसे संस्कार जरूर दीजिए, क्योंकि संस्कार ही जगत को बढ़ाएंगे, संस्कार ही जगत को आगे बढ़ाएंगे। जीवन में जीवन के परिवर्तन, जीवन के समृद्धि के लिए जैन समाज आज 50 साल पीछे चल रहा है। जैन समाज आज 50 साल पीछे चल रहा है, इसलिए वो समय के साथ पिछड़ रहा है। जैन धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है, इसके बावजूद पूरी दुनिया में जैनों की पॉपुलेशन 1 करोड़ है। ईसाई जिनका कुल इतिहास 1500 साल का है, उनकी पॉपुलेशन 1 अरब है। बात को समझना, जैनों की कुल पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, जबकि जैन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन पुराना धर्म है। ईसाई जिनका कुल इतिहास 1500 साल का है, उनकी पॉपुलेशन 1 अरब। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जैनों ने समाज के साथ संपर्क करने वाली सारी बातों को भुला दिया और केवल कोरा तत्व दान लेकर के बैठ गए। आहार दान, अन्न दान, औषध दान, विद्या दान, अवय दान, किसी भी धर्म को जिंदा रखने के लिए जरूरी होते हैं। ईसाइयों ने इन बातों को अपनाया और अपने धर्म को बढ़ाया। इसलिए आपसे गुजारिश, व्यवहार में लाइए, जो तीर्थंकरों की वाणी है उसको व्यवहार में लाइए। सासुओं से कहूंगा, हम आओ प्यारी प्यारी गंगा हो, जगत जननी जगदम्बा हो। सासुओं से कहूंगा, सासुओं अम्माओं प्यारी प्यारी गंगाओं जगत जननी जगदम्बाओं, सासुओं से कहूंगा अपनी बहू को इतना प्यार दो, अपनी बहू को इतना प्यार दो वो पियर का फोन नंबर ही भूल जाए। अम्माओ प्यारी प्यारी गंगाओ जगत जननी जगदम्बाओ, धर्म को व्यवहार में लाइए। सासुओं से कहूंगा अपनी बहू को इतना प्यार दो कि वो पियर का फोन नंबर ही भूल जाए। और बहुओं से कहूंगा, अब आएगा मजा। बहुओं से कहूंगा, बहुओं अपनी सास को इतना मान दो कि वो अपनी